राज्य में मौजूद हूँ, वैशाली ज़िला के भगवानपुर जो ब्लॉक है उसके अंतर्गत आता है हुसैना खुर्द गांव। और मेरे साथ यहाँ की जो अभी हाई स्कूल का रिजल्ट निकला था उसमें सेकेंड टॉपर हैं वैशाली ज़िला से, तो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे बात करती हूँ कि कैसे इन्होंने कितनी मेहनत की, क्या उम्मीद थी इनको कि ये पूरे ज़िले पर सेकेंड टॉपर आ जाएंगी, और इन्होंने अपनी खुशी कैसे जाहिर की, किसके साथ जाहिर की, और अभी इनको कहाँ कहाँ से बधाइयाँ आ रही हैं, सारा कुछ अभी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तो ये जो हाई स्कूल का रिज़ल्ट है कब आया था? ये 31 मार्च को आया, और हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि हम उतना उम्मीद नहीं था, मतलब अच्छा लिख कर आई थी लेकिन उतना थोड़ा सा डर लग रहा था रिजल्ट के दिन भी। और फर्स्ट टाइम लाइक मम्मी, सबसे पहले तो मैं टीचर को रिजल्ट पता चला, उसके बाद मम्मी को बताया, बहुत खुश थी मम्मी, बहुत खुश थे। हाँ अच्छा, क्या अंक प्राप्त किए हैं आपने? 456 मार्क्स है और 91.2% है। तो अभी आपको कहाँ कहाँ से बधाइयाँ मिल रही हैं? मेरे घर में, मेरी फैमिली में, स्पेशली मेरी आंटी, मेरे भाजन लोग, और उसके बाद से फ्रेंड्स लोग डेफिनेटली, और टीचर्स लोग। हाँ, एडुकेयर कोचिंग इंस्टीट्यूट है बेतिया में, पंचमी चंपारण में। क्या टाइमिंग थी उसके जाने की? 3 बजे से शाम के 6 बजे तक रहता था। 6 बजे तक रहता? हाँ, इतना टाइम देती थी वहाँ पर। हाँ, तो आप जब ट्यूशन पढ़ती थी तो वहाँ पर अपने डाउट क्लियर करती थी, कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो? हाँ डेफिनेटली, क्लास में कुछ भी मेरा छूटता नहीं था, हम टीचर से बोलते थे कि हाँ हमको ये नहीं समझ में आया है, ये नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी। मोस्टली मैं मूड पे डिपेंड होता था, बट कोचिंग ऑलमोस्ट 3 घंटे का होता था, 3 आवर्स का होता था ज़्यादातर, और उसके बाद से फिर घर पे भी 2-2.5 घंटे से पढ़ते थे, पढ़ाई करती थी। हाँ, यानी ऑलमोस्ट 5-7 आवर्स के आसपास दिन भर में पूरा। स्कूल भी जाती थी आप? नहीं, स्कूल नॉन अटेंडिंग था, और मेरी प्रिपरेशन यहाँ से नहीं, पश्चिमी चंपारण बेतिया से हुई है, इसलिए तो यहाँ पे स्कूल है बट नॉन अटेंडिंग था, नहीं जाते थे स्कूल, और वहाँ से कोचिंग में रह, हम कोचिंग में पढ़ाई की है, और मतलब पापा भी बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ाते थे, सपोर्ट करते थे, तो वो टीचर है मेरे, तो हाई स्कूल के टीचर है, तो वो भी आपकी मदद कर देते थे। हाँ, और घर पे कैसे सब लोगों ने सहयोग किया आपका पढ़ाई पर? मम्मी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, क्योंकि हमेशा मतलब कोई भी काम वगैरह में कोई फोर्स नहीं किया गया। आपको कैसा लग रहा है जब आपकी बच्ची इतने अच्छे नंबरों से पास? हमको बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई आपको जी? कहाँ कहाँ से आपको बधाइयाँ मिली? सब जगह से, सभी जगह से, पूरे रिलेशन के लोग, मेरे माँ, मेरी भाई बहन, भाभी लोग, सब चाचा चाची यहाँ जो भी हैं, सब लोग बधाई दिए। हमको उम्मीद नहीं थी मैम, उम्मीद से ज़्यादा हम लोगों ने पाया। आप क्या देखना चाहेंगे अपनी बच्ची को, क्या आगे बनवाना चाहेंगी? मेरी तो मतलब मन की मंशा है कि डॉक्टर बने। उन्हें क्या मतलब फ्यूचर प्लान कर रखा है कि क्या बनेंगी? डॉक्टर, मम्मा भी चाहते हैं कि हाँ डॉक्टर बने, उनको अच्छा लगेगा, प्राउड फील होगा, इसलिए। तो डॉक्टर के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसको अच्छे स्कूल पे एडमिशन के लिए अच्छे अंकों की भी ज़रूरत होती है। हाँ, आपसे क्या तैयारी है? अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, बट अभी और जगह यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन चल रहा है, जामिया यूनिवर्सिटी का, अगर वहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो डेफिनेटली साइंस की और मेडिकल की पढ़ाई वहीं से होने वाली है, वहीं से करें। हाँ, खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।